तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। जी हाँ, ये लाइनें बांदा के अधिकारियों और उनके आंकड़े पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने कागजों पर पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये तस्वीरें बांदा जनपद के अलग अलग ब्लॉकों के दर्जन भर गांव की है। सबसे पहले आपको महुआ ब्लॉक के खामोरा गांव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां करीब 60% लोगों के शौचालय नहीं बने हैं। लेकिन आंकड़े में ये गांव खुले से शौच मुक्त है। 15 साल से विकलांगता का दंश झेल रहे बंधु ने बताया कि वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अफसर उनको एक शौचालय नहीं दे पाए। बाबूजी दूर चट्टी के ले जाते नहीं, तब नहीं ले गए तो अपने घर में हो देते हैं। यहाँ गंदगी नहीं होती होगी? क्या करी साहब, प्रधान पाल कोई नहीं सुनाई है साहब, क्या करी। इसी गांव की सूफियाना बताती है कि शौच के लिए जाते समय उसका पैर फिसल कर टूट गया। वो चलने में असमर्थ है, पर शौचालय ना होने की वजह से इसी हालात में उसे शौच के लिए खेत जाना पड़ता है। वहीं इसी गांव की शबनम भी पैर में चोट के बावजूद शौचालय ना होने की वजह से खेत जाने के लिए मजबूर है। लैटरिन को गए थे, इसीलिए बाथरूम को हम गए तो वहाँ पे नाला खुदा था, इसीलिए हमारा पैर फिसल गया। तो मोचा मांग तो की, कोई सुनवाई नहीं करता, कुछ नहीं बजे है, कैसे बताते रहते, कहीं कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। आजकल गरीब लोग की को सुनता है। आज वो ये कि बाथरूम जो इसी तरह अभी तुम्हारा पैर टूटा तो इसी से जाते हैं, जो पानी बरसने लगा तो घर ही में होते हैं। अभी आए हैं, अब इससे पहले तो कभी नहीं कोई अधिकारी आए, एक भी शौचालय नहीं किया है, मनो आया नहीं। प्रधान से कहा, जो अगल बगल प्रधान ही से कहेंगे और किससे कहेंगे, प्रधान यहाँ का एक भी शौचालय नहीं। ये तस्वीरें हैं नरैनी ब्लॉक के पिपरहरी गांव की। ग्रामीण ग्राम प्रधान और सचिव से कह कह कर थक गए, पर शौचालय नहीं बना। वहीं जब ये खेतों में शौच के लिए जाते हैं तो खेत वाले गालियां देते हैं। बबेरू ब्लॉक के कई गांवों में भी यही हाल है, किसी का आधा शौचालय बना है तो कोई अभी भी शौचालय की आस लगाए बैठा है। और तुम अपना बनाओ, न पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा टट्टी घर बनेगा तो इसमें न सीट परी साहेब, न इसमें पाइप परे, न इसमें गड्ढा के लिए ईंटा हुआ और न सीमेंट आ रही। ढांचा बना के रख दिया है बारू का, कहें कि प्लास्टर करा दो तो प्लास्टर को बारू रखी है, अभी तक कुछ सामान नहीं मिल रहा, कहते हैं बन जाई बन जाई। भले ही प्रदेश सरकार लाख दावे करे कि शौचालय मुक्त हो चुका है, यूपी अध्यक्षता उसमें बांदा को शौच मुक्त बताने की जो जमीनी हकीकत है, आइए हम आपको इससे रूबरू करते हैं। क्या है ये जमीनी हकीकत, आप देख सकते हैं किस तरह से शौचालय हैं लेकिन अधूरे बने हैं, या तो लोगों के शौचालय जाम हो चुके हैं या वो किसी काबिल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांदा कैसे शौच मुक्त हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।